नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में बताया था, तो आज हम देखेंगे डिटेल में कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब हमारे कहाँ पर इंक्लूड होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है अभी देखते हैं। दिस क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या दिखाता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज ये चीज़ दिखाता है कि कंपनी किसके लिए फॉर्म हुई है, कि हमने कंपनी को किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए बनाया है। तो ये कौन शो करता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज शो करता है। तो दिस क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, किस काम के लिए कंपनी बनी है, ये हमारा कौन शो करेगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज शो करेगा। इट इंडिकेट द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज ये शो करता है कि रेंज ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग प्रकार के कार्य कंपनी कर सकती है, मतलब कौन कौन से काम को कंपनी कर सकती है, वो सारे काम कहाँ लिखे रहते हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज में, कंपनी का ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ों का लिखावट होती है। तो दिस क्लॉज डिफाइन द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटी, कौन से रेंज, मतलब क्या क्या काम एक कंपनी कर सकती है, ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। दिस क्लॉज स्टेट्स इन डिटेल द मेन क्लॉजेस फॉर विच द कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी मुख्य तौर से किस काम के लिए बनी है, तो वो काम मेरा क्या हो जाता है? मेन क्लॉज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी चालू करता हूँ, और कंपनी में मान लीजिए मैं कंपनी चालू करके उसके अंतर्गत में पढ़ाने का काम करता हूँ, तो जो मेरा पढ़ाने का काम हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा। तो कंपनी जो बनी है उस कंपनी का मेन काम क्या है, मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेरा किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो मेन क्लॉज। कंपनी का सबसे मुख्य काम क्या है? जैसे मेरे कंपनी का मुख्य काम पढ़ाना है, तो जो टीचिंग हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स एनी अदर एक्टिविटीज इट मे अंडरटेक इफ नेसेसरी। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज ये भी शो करता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी सिर्फ वही काम करे, कंपनी दूसरे कार्य भी कर सकती है। सपोज मान लीजिए मेरा काम टीचिंग है, मेरे कंपनी का मुख्य काम टीचिंग करवाना है, लेकिन साथ साथ मेरे कंपनी ये भी सोच रही है कि हम कुछ फाइनेंस का काम चालू कर देते हैं, तो वो फाइनेंस का काम भी कंपनी कर सकती है अंडर एनी अदर ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये सब चीज़ कहाँ मेंशन होगा? मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज में। मीन्स ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंतर्गत मेन क्लॉज भी लिखा रहेगा और एनी अदर एक्टिविटी, मतलब कि मेन के साथ साथ हम क्या क्या और काम करने वाले हैं, वो भी चीज़ें कहाँ पे लिखी रहेगी? ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंतर्गत लिखी रहेगी। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, कंपनी का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए? तो बस ये कुछ चार बातें, जो भी ऑब्जेक्ट रखें बस ये ध्यान रखना है कि वो ऑब्जेक्ट में ये चार बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी मस्ट नॉट बी, ऑब्जेक्ट कंपनी का कैसा नहीं होना चाहिए? इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉज, और वो कंपनीज एक्ट के किसी भी धारा का उल्लंघन ना करता हो। तो चार बातें का ध्यान रखना ऑब्जेक्ट डिसाइड करते वक्त, लीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और कंपनीज एक्ट के किसी भी धारा, किसी भी कानून का उल्लंघन ना करता हो। तो चार बातों का ध्यान रखना है। अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। जो हमारे कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, हम उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मेरे ऑब्जेक्ट में से दो बातें लिखी हुई है, मेन क्लॉज में टीचिंग लिखा हुआ है और एनी अदर एक्टिविटी में बैंकिंग एंड फाइनेंस लिखा हुआ है, तो मैं इन दोनों के अलावा मैं तीसरा कोई काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है हम उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगला है, इट कैन डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटियल टू एंड कॉन्सिक्वेंटल अपॉन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई इन द क्लॉज। तो कंपनी इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंटल ऑब्जेक्ट कर सकती है। अब इंसिडेंटल मतलब क्या होगा? रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी, मतलब टीचिंग मेरा काम है, तो टीचिंग के संबंध, जैसा मान लीजिए टीचिंग में मैं कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ा रहा हूँ, मेरी कंपनी मान लीजिए कोचिंग सेंटर प्रोवाइड कर रही है पढ़ाने का, मैं होम ट्यूशन जाके पढ़ा रहा हूँ मैं, तो जो होम ट्यूशन हो गया क्या हो गया? वो रिलेटेड टू मेन एक्टिविटी,
मतलब काम मेरा वही है उससे संबंधित है। कॉन्सिक्वेंटल रिजल्टिंग फ्रॉम मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी से क्या निकल के आ रहा है, तो मैं ये दोनों काम भी मतलब इंसिडेंटल और कॉन्सिडेंटल काम भी अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मैं कर सकता हूँ। बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, अगर कंपनी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्लॉज में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बट मैं उसके बियॉन्ड कुछ काम कर रहा, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारा नहीं है, मैं वही काम कर रहा हूँ, तो काम मेरा क्या कहलाया जाएगा, अल्ट्रा वायरस कहलाया जाएगा। तो अल्ट्रा वायरस मतलब हो गया बियॉन्ड द पावर, मेरे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ तो नहीं है बट उसके अलावा भी मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, तो मेरा क्या कहा जाएगा, अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कहलाया जाएगा। तो हमने आज दोस्तों क्या देखा, ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है कि कंपनी किस पर्पज़ के लिए फॉर्म हुई है, कंपनी कौन कौन से कार्य को कर सकती है। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मेन क्लॉज और एनी इंसिडेंटल क्लॉज। तो मेन क्लॉज में जो मेरा मुख्य कार्य होगा, एनी अदर एक्टिविटी में जो मैं कुछ और काम कर रहा हूँ वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के समय मुझे क्या ध्यान रखना है, चार बातों का ध्यान रखना है कि इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविजन को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कंपनी जो भी काम करेगी विद इन द ऑब्जेक्ट का काम करना है, ऑब्जेक्ट के बाहर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। और कंपनी डू एनी एक्टिविटी विच इज इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंटल अपॉन से ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई द क्लॉज, तो जो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो इंसिडेंटल और उससे रिलेटेड और उससे रिजल्टिंग जो भी एक्टिविटी होगा वो सारी एक्टिविटी को मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ऑब्जेक्ट क्लॉज, तब तक के लिए नमस्कार।